बहुत सारी घटनाएं होती है पोल्यूशन के चलते, और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इस प्रकार की बात कहना गलत नहीं होगा। सूरत के सचिन में घटना बनी थी और 6 लोगों की मौत हो गई थी पोल्यूशन के चलते। ये हम आपको तस्वीर बता रहे हैं, वापी GIDC की तस्वीर बता रहे हैं, जहां पर स्लज भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ है और वहां से टपक रहा है केमिकल युक्त पानी। टेक्निकली बात कहे तो अधिकारी ही इसकी जांच करके पुष्टि करेंगे, लेकिन दिखाई वही दे रहा है। लेकिन बेकौफ, बिंदास, इस प्रकार के पापी लोग इस घटना को लेकर इस प्रकार को जो अंजाम दिए जाते हैं, इस प्रकार खुलेआम कोई ट्रक में ढका हुआ नहीं, कुछ नहीं, कहां ले जाते हैं इस प्रकार का स्लज, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रक्रिया की जाती है। ऐसे लोगों को धर दबोचा जाना चाहिए। हम तहकीकात करेंगे कि किसका है, क्या है, कैसे यहां खड़ा है, क्योंकि सड़क पर खड़ा है, स्लज है, बिंदास, और ये तस्वीर सामने आई है। अभी ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, कोई डिपार्टमेंट आया है क्या, उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि ये पाप कौन फैला रहा है। लेकिन इस प्रकार की तस्वीर सामने आना, इस प्रकार खुलेआम स्लज जो है देखा जा रहा है ट्रक के अंदर, किस प्रकार की परिस्थिति है, बेखौफ है लोग, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस प्रकार की मानसिकता जो बना के रखे हैं जिन जिन लोग, उसी प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। और जनता आवाज भारत इस प्रकार की तस्वीर को हर बार बहुत बार दिखाने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि पापियों का पाप दिखाना इसलिए आवश्यक भी है कि वो थोड़ा रुक जाए, बंद हो जाए, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बंद हो जाए, लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए इस प्रकार की जनहित की खबर जनता आवाज भारत बताता है। हम इसकी पूरी तहकीकात तक जाने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार की ये घटना है, क्या है इसके अंदर, लेकिन इस प्रकार का केमिकल युक्त पानी जो है वो किस प्रकार गिर रहा है, वो ट्रक में से गीला स्लज ले जाते हैं, किस प्रकार ले जाया जा सकता है, टेक्निकली बात है, वो अधिकारी से हम पूछने की, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड पूछने की कोशिश करेंगे। और किसका क्या है, इस प्रकार की घटना बनती है तो क्या खबर है उनके पास, इसके लिए हम उसकी भी जांच करने की कोशिश करेंगे। हम उनको भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की ये घटना है, और इस प्रकार की जनहित की खबर जनता आवाज भारत बताते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज भारत।